सत नाम जीवाहे गुरु साहिब। गुरु साहिब ने मेहर की थी, बख्शिश की थी, असीं दो तीन दिन पहले इस जमीन का सौदा किया। ये दलाल ते गुरमुख प्यारा सी एक विच, ते जमीन आला उत्थे चहल पहुंचिया, मां संपड़ चलते सी, बैठ के सौदा कर लिया। गुरु साहब तो हुक्म मिल गया सी भी कर लो सौदा, ते 1,13,000 इन्हां नूं उत्थे साई दे पैसे दे दित्ते। ते मैं मां संपड़ पाठ दा सुन रहा सी, मैं कहा भी पहला सौदा इन्ना वड्डा कीता है, 300 बिघे दा 9 करोड़ दी जमीन है, पहली बारी इन्ना वड्डा सौदा कीता है। ते देखिए गुरु साहब दी बाणी चो की आवाज आउंदी है। मैं माया दे विच खेडन लग्गिया कि 9 करोड़ दी जायदाद संपत्ति, बड़ा वड्डे स्कूल बनावांगे, हस्पताल बनावांगे, बड़ा कुछ बनावांगे, एडी वड्डी संपत्ति, पहली बारी इन्ना वड्डा सौदा होया है। देखदे आ गुरु साहब किन्ने कु खुश ने। ते जदों मैं ओह पंक्ति सुनी पाठ दी भी केड़ी आ रही मां संपड़ च, मोबाइल ते सुन रहा सी मां संपड़ पाठ दा भोग पै रहा सी, अपने कई थावां ते पैंदे आ ना अलीपुर। ते जदों मैं पंक्ति सुनी ते पंक्ति आई, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंच रिशना। मैं क्या भी गुरु साहब तो कहिंदे भी नानक असीं तां किन्ने बड़ा वड्डा सौदा कर लिया। गुरु नानक साहब, गुरु साहब ने आख्या ये नानक ने फल जात ते ज्यों कुंच रिशना, ਇਹ ਨੇਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨੇਫਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਚ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇਫਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ 300 ਵਿਘੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਤੀਰਥ ਵਰ ਤਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਕਬ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਨੇਫਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਕਰ ਦੇ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਸਾ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਟਾਇਆ।
गुरु साहब दियां खुशियां सी कि जे चेता आ गया पार ब्रह्म कर ये जगह लई जड़ी बड़ी सफली है बड़ी वधिया है। पर मन दी होमे दे कारण गुरु साहब ने चोट मारी, क्या के बड़िया संस्था बनावांगे, गुरु साहब ने चोट मनाई मारी, ये झूठ है सारी रचना, सच्चा नाम है जे नाम जपिया जाए। बाबा खेम सिंह जी कहिंदे की बनाई जांदे जे, इत्थे बनाता गुरुद्वारा इत्थे बनाता। मैं कह जी संगतां जप तप करनगियां पाठ सिमरन करनगियां, इसे संगतां तो जप तप करावांगे पाठ करावांगे होर। कहिंदे हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, नाम दे केंद्र बनाओ, एवें ना बनाई जाओ, नाम दे केंद्र बनाओ नाम जपण वाले। गुरु साहब दियां प्रसन्नता खुशियां मन दी मैल कढ़न वास्ते आ, मन नू समझाउण वास्ते गुरु साहब ने खुशियां कृपा करके भेजिया, ते ए जमीन दा हो गया सौदा गुरु साहब दी कृपा दे नाल। आपे ही उन्होंने मेहर करके कृपा करनी। बाबा जी कहिंदे सी किसे तो नहीं मंगना, असी महापुरखां दा बचन लैके स्टेशन ते आ गए ते पैसे इन्ने कुछ सी भी टिकटां ही आप दियां लईयां। एक गुरमुख प्यारा आ गया जलंधर दा कि कित्थे चले हो महाराज, संगी सी सानू वेख के आ गया। असीं कहा हजूर साहब चले हाँ, बाबा खेम सिंह जी महाराज ने कृपा की उत्थे सराम बनाउणी है। कहिंदा जी एक कमरे की सेवा जिन्नी होएगी मैं करांगा। असीं 1,00,000 रुपया रखिया सी भी चलो 1,00,000 एक कमरे का, बाकी तो संगतां नहीं सेवा करनी, सारी मिस्त्री भी मजदूर भी सारी संगत ये सेवा करन वाले। वह कहना ये कमरे की मेरी सेवा। उन्हें जेब चो पैसे काट कुट के 70,000 देता, बाकी कहता 30,000 मैं दे देंगा। मैं माया नहीं गिन रहा, मैं दस रहा कि गुरु साहब किवें कृपा कर दे। एक पिंड मसीतां दा जेलदार जेला जेला हुंदा सी, उन्हूं जेलदार कहिंदे सी, भावना वाला सी। बाबा जी दे कोल आया कहिंदे जमीना विचों बाबा जी कोई अजकल लभदा नहीं, मसां रोटी दा ही गुजारा हुंदा है ते दुध विच फायदा बहुत हैगा। ते बाबा जी कहिंदे जे लिया फिर मझां लै लां, डेयरी बना लां। महाराज डेयरी कित्थों बना लां, माया तां है नहीं, एक मझ लैण जोगे पैसे नहीं हैगे। बाबा जी कहिंदे डेयरी बना ला, बाबा जी कहिंदे जे लिया डेयरी बना ला। ते कहिंदे जी एक मझ जोगे पैसे नहीं हैगे, कहिंदे कोई नहीं मझां भी मिल जाणगियां डेयरी बना ला। बाबा जी दा बचन लैके चल पिया। जदों बैठा बस विच आ रहा है, एक गुरमुख प्यारा नाल बह गया, कहिंदा भी जेला सिया मेरे को माझे बहुत वधिया, देख ला जे तू लैनी तां। कहिंदा मेरे को पैसे नहीं हैगे। वह पैसों की केड़ी गल है, जदों मर्जी दे दी, मझ लै ला बड़ी वधिया, दुध इन्ना दुध देंदी। एक मझ तो उन्हें कहता, इवें एक होर मझ की कोई गलबात हुई। ते एक जदों 3 मील तुर के जाना सी, ते एक बंदा मिल पिया, वो मझ लैके आ रहा सी। कहिंदा क्यों भी किधरों आया? कहिंदा मंडी च वेचन गया सी मझ, ते उत्थे पैसा इहदे
हिसाब का मिलया नहीं, कीमत घट पाते लोग, तो मैं फिर वापस लै आया। कहिंदा अच्छा, कहिंदा जेला से मज तू लै जा, पैसे जदों मर्जी दे दी। सूई हुई मज चंगा दुध देने वाली, वो कहिंदा मेरे को पैसे नहीं है भाई। कहिंदा पैसे मैं मंगना तेरे को, तू आ मज का संगल फड़। घरे जांदिया जांदिया वो कहिंदा तीन मझां मिल गईयां मैनू, तीन, ते किसी ने पैसे नहीं मंगे। बाबा जी कहिंदे चाह डेयरी बना, दुध का काम बड़ा चलेगा। कहिंदा जी जमीन च कोई लभदा नहीं। कहिंदे दुध चो पैसा बहुत मिलेगा, डेयरी बना ला। कहिंदा जी पैसा तो है नहीं बिल्कुल। महापुरखा ने कृपा कर दी, कहिंदा तीन मझां मिल गई। तीन मझां आ गई, फिर मन च आया भी कोई एक दो होर ले आवो। कहिंदा मैं मंडी गया ते पैसे सी मेरे को थोड़े, उन्हां दा दुद्ध दे विच जिहड़े पैसे आए। जदों मंडी गया ते बिल्कुल लिस्सियां लिस्सियां कहिंदे मझां, दो तीन मैं खरीद लिया। कहिंदा तिन्ना नहीं मेरे घर आण के रोज दुद्ध वधाई जाण, रोज वधाई जाण। कहिंदा पंज सत मझां हो गईयां मेरियां, बड़े थोड़िया च ही मेरा काम सर गया। तो कहिंदा सारे जिमीदार मेरे वल वेखदे आ भी असीं इन्ने किले वाले भुखे मारदे आ, ये थोड़ी जमीन वाला ही उदों पंद्री मिलदी सी, मोगे दी डेयरी वाले पंद्री देंदे सी। कहिंदा उन्हां समयां जो पैसा बहुत हुंदा सी, हरेक पंद्री ते कहिंदा मेरे घर 15,000 आ जांदा। आखो श्री वाहिगुरू। ते जिमीदार उदों 2-3-4,000 सारी किले की फसल होंदी सी, 3-4,000 की, 2-3,000 की। सारे कहन जेला से बड़ा वधिया फुलिया, बड़े रंग भाग लगे। ते जदों गुरु साहब ने कृपा की, मझां दी डेयरी अपने आप ही कृपा नाल बन गई बाबा कुंदन सिंह जी दी। सारा पिंड ही उहदे वल वेखदा सी वी इहनूं बड़े रंग भाग लगे। हरेक 15 दिनां बाद 15,000 रुपया, उदों 15,000 बहुत ज्यादा सी उस समय च। अजकल तां 30-40 रुपये किलो दा रेट मिलदा है, उदों मिलदा ही 1-1.5 रुपया सी। चंगी फैट आनी जदों बाबा जी कृपा करन, फिर सारियां बरकतां आ जांदियां ने।